अब्बू वो अपने कमरे में, उसकी तबीयत कुछ खराब है। तबीयत खराब है, खैरियत क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस मामूली सा बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं नहीं, खाना रात का हम सब मिलकर ही खाएंगे। हेलो, हाय आसिर। यार मैं बस स्टैंड पर हूँ, मैंने अभी तुम्हारी मंगेतर रैना को देखा बस में बैठते हुए। अरे नहीं यार, कोई और होगी, चेहरे जैसे चेहरे होते हैं, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुआ? अरे मेरे भाई, मैंने गौर से देखा, वो रैना ही थी। और हाँ, उसके साथ उसकी छोटी बहन आई भी थी, वो बस में बिठा के जा चुकी है। अरे कोई और होगी, हमारे घर की लड़कियों को इतनी आजादी नहीं है कि अकेले जा सके। खैर, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मेरे सामने में झूठ मत बोलो। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई, कैसे है वीरानियां। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज रोना बंद करते, आंसू को भी तरस आ रहा होगा आपकी आंखों। क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ देख लेना, कहीं मरवा ना देना मुझे, पता चले दोस्ती के बहाने धोखा दे दूँ। तू मेरी नीयत पे शक कर? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा दावा करने के बाद डैड कहीं गुस्से में मुझे वाकई आंख ना कर दे। कुछ नहीं होगा, मैंने गुड़िया से भी बात कर ली और आंटी को भी समझा दिया। बस यही बात याद रखना, अंकल जो भी कहें जस्ट टेक काम, डोंट से अ वर्ड, बाकी मैं संभालूंगा। अच्छा बाबा, नहीं बोलता। खुश जाओ, चेंज वेंज कर लो, चलते हैं। उन्होंने पूछा नहीं कैसा, कहाँ है, क्या कर रहा है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना ही तुम कुछ बताओगे ना मैं कुछ बताऊंगा, बाकी मैं देख। चल जा ना, चेंज कर। या, सी यू, वेट। क्यों परेशान हो रही है अम्मी, आ जाएगी वो वापस। ये ले पानी पिए बैठे। उसे दोबारा फोन करो, पूछो पहुंच गई कि नहीं। अम्मी इतनी जल्दी कहाँ पहुंची होगी, अभी तो छोड़कर आई हूँ मैं उसे। हाँ हाँ अच्छा, उसे फोन करके पूछो ठीक तो है ना।
मी इस तरह बार बार तो कॉल नहीं कर सकती ना, वो परेशान हो जाएगी। आ जाएगी वो, आप रिलैक्स रहे, ये पानी पी। मैं देखती हूँ, आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। आप पानी पी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखती आ रही हूँ। Want to guess what? कौन? आई माँ, दरवाजा खोलो, मेरा इस वक्त ऐना से मिलना बहुत जरूरी है। क्या? मेरा मतलब उससे मिलना क्यों जरूरी है? मेरे किसी दोस्त ने उसे बस स्टॉप पर देखा है। मैं जानता हूँ वो लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ। आपके दोस्त ने आपसे झूठ बोला है? ऐना तो अपने कमरे में सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, उसे डिस्टर्ब मत करें। तुम दरवाजा खोल दो, मैं उसे एक आंख देख कर चला जाऊंगा। और अगर मैं ना खोलूं तो? वरना मैं मामू को अभी फोन करके कह दूंगा कि ऐना घर से भाग गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप उस्मान भाई? आयमा, मैं तीन तक गिनूंगा, उसके बाद मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। एक, दो, तीन। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे ऐना से मिलना है। तो चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले को क्यों बुला रहे हो? ये बात आराम से नहीं कर सकते थे? जी अम्मी, मैं भी तो कब से ना यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो आपको को कॉल करके बता देंगे। मजाक कर रहा था मैं उसके साथ। मजाक में कोई इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाता उस्मान भाई। कैसा इल्जाम? कोई इल्जाम नहीं, आप जानती तो उस। हाँ, मैं ऐसे भी जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ। बताओ क्या कहा इसने? जी अम्मी, वो ये कह रहा था कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अब्बू को कॉल करके बता देंगे कि ऐना घर से भाग गई है। तुम मेरी बेटी के मुतालिक इस तरह के ख्यालात रखते हो? मैं परेशान हो गया था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि उसने ऐना को बस स्टॉप पर देखा है, वो कहीं जा रही थी। ऐसे कोई भी ऐना के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी सुना देगा तुम यकीन कर लोगे? नहीं किया ना यकीन, मैं उसको मुंह तोड़ना चाहता हूँ। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी के बारे में ये बात करने की? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ऐना कहाँ है। ऐना घर पे नहीं है, और जहां भी गई है मेरी मर्जी से गई। तो ये बता दें कि वो वापस कब तक आएगी? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, और आइंदा यहां तमाशा लगाने से पहले 10 मरतबा सोच लेना कि अभी रुख्सती नहीं हुई है। जाओ अपने घर और इत्मीनान से अपना काम करो। आयमा जी, उस्मान फौरन जा रहा है, दरवाजा बंद करो।
जिंदगी है कितनी हसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ससुराल में कदम रखोगी तो देखना वेलकम ऐसा शानदार होगा कि आज तक किसी लड़की का नहीं हुआ होगा। तुम खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी है ना, और तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम रजा अमजद खान की मोहब्बत हो, और ये बात तुम्हें खुद पर रश करना सिखा देगी। खबर दे दी कि ऐना घर पे नहीं है। अम्मी मैं तो खुद हैरान हूँ उस्मान बे की फास्ट सर्विस पर, पता नहीं उनको सांस भी लेते हैं तो उनको पता चल जाता है। इसी बात का डर था मुझे, अब अगर इसने तुम्हारे अब्बू को बता दिया तो फिर हम क्या बहाना बनाएंगे। अम्मी कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अच्छा तुम ऐसा करो कि ऐना को फोन करो, उसे को जल्दी आने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहती कि सुस्मान की बेवकूफी की वजह से हम किसी नई परेशानी में फंस जाएं। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, आप रिलैक्स रहें प्लीज। कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ जब तक वो वापस ना आ जाए। अच्छा मैं कर रही ना कॉल अम्मी। हेलो हेलो ऐना, ऐना पहुंच गई हो तुम? नहीं वो बस अम्मी कह रही थी तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। नहीं नहीं कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ना, वो बस कभी तुम इस तरह गई नहीं ना अकेले। अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी अम्मी को। ठीक है ओके, हो गई बात खुश। अब आप रिलैक्स हो जाएं, आ जाएगी टाइम पे, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं तुम जाओ ना बेटे, मैं पेपर के लिए तैयारी करूं, मुझे तलब होगी तो मैं चाय बना लूं। ठीक है अम्मी। Thank you.
पॉइंट ऐसा घर पर होगा या नहीं, और अगर ना हुआ तो क्या कहकर अपना तारुफ करवाऊंगी। बीबी जी, आपको किधर उतरना है? डीएचए में ही है ब्रेन। बीबी जी, यहाँ तो हम पिछले आधे घंटे से घूम रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई आता पता हो ना तो आप हमको बताओ, हम आपको फौरन उसी पते पे पहुंचा देगा। हाँ, ये देखें, ये है पता, ये देखें आप। लगता है हम इसी पट्टी पर हैं। मैं अभी आपको पहुंचा देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो इस बात का कैसे यकीन कर लिया जाए कि जो तुम गारंटीज दे रहे हो तुम उन पर पूरा उतरोगे? अब आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डैड? देखिए, अगर मैं 3 महीने तक वापस ना आया, if I don't come back, आप कंपनी से कह के किसी भी वक्त मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपको यकीन दिलवाने के लिए? अमजद, देखिए, अब वो अपना पूरा करियर दाव पे लगा रहा है आपके लिए। प्लीज, अब जस्ट फॉरगेट इट ना, मान जाए ना आप। अंकल, वैसे टू बी ऑनेस्ट, आप एक बार इसको जी भर के उड़ लेने दें। सारी जिंदगी तो आपके साए तले रहा है, कम से कम इतना तो सीखेगा कि दुनिया में जिंदगी गुजारी कैसे जाती है। प्लीज। थैड, मेरे ख्याल में हमदान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको कोई काम भी तो ढंग से नहीं करना आता, पर वहां सहरा में जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। आप देखिएगा, ये अगले ही हफ्ते वापस भाग आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं आज के बाद इस चीज का दोबारा कभी नाम नहीं लूंगा, ट्रस्ट मी। तो फिर ठीक है, मेरी एक शर्त। अरे अंकल, एक और शर्त। अभी तो उसने सारी शर्तें पूरी की आपकी। बेटे, वो सिर्फ सजेशंस थी तुम लोगों की जो मैं सुन रहा था। मेरी शर्त अब आएगी जब बिल्कुल अलग। कि जो शर्त है डैड मुझे मंजूर है, मैं सब करने के लिए तैयार। बेटे, पहले शर्त से सुन लो कि तुमको मंजूर भी है कि नहीं। अंकल, जितना डेस्परेट है ये आपकी हर शर्त मान लेगा। आप प्लीज ट्राई करें। जी डैड, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। अच्छा, रेडी हो? तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे तमाम बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नथिंग। मंजूर है? मंजूर। तुम्हारे बेटे ने कोई आस तो दिलाई होगी ना इसको, वरना ये सब कुछ छोड़कर यहां तक क्यों आती? छत, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भी एरी हरी लड़की आके ये बातें करेगी तो क्या हमारा बेटा हर लड़की से शादी कर लेगा? व्हाट आर यू सेइंग? मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है डैड। दिलावर की कजन है ये, उसकी शादी में मिली थी मुझे, इसको ठीक से जानता भी नहीं हूं। Thank you.
बीबी जी, जो पता आपने बताया ना, मेरा ख्याल है कि यही घर है। यही एड्रेस है ना? जी बीबी, एड्रेस तो यही का है। आप वो मुझे रजा से मिलना है, वो घर पर है? जी छोटे साहब तो अभी घर पर आए, मैं देखता हूँ। पर आप ये तो बताएं कि आप आई कहाँ से? मैं हैदराबाद से आई हूँ, आप प्लीज उनको बता दें वापस भी जाना। ठीक है, मैं देखता हूँ। बीबी को इंटरकॉम रिसीव नहीं कर रहा, मुझे लगता है सब बिजी है अंदर। आप प्लीज अंदर जाके बता दें, ऐना आई है, वो मुझे बुला लेंगे। मेहरबानी कर दे प्लीज। इंतजार करना आप। तो कब जाने का इरादा है? इसी वीकेंड की फ्लाइट है डैड। तो टिकटें भी बुक हो गई हैं? अब दरअसल अंकल, टिकट्स तो ऑफिस से बुक हुई हैं, तो इस बेचारे ने तो पैकिंग भी नहीं की अपनी। अभी तक आप सुन रही हैं, पैकिंग भी नहीं की हजूर ने? क्यों जी, किस चीज का इंतजार था? अब रजा बताओ ना, वो दरअसल आपकी परमिशन का वेट कर रहा था बस। जी, मेरी परमिशन का? इसीलिए आप घर छोड़कर गायब हो गए थे? अमजद, क्या पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं आप? कितनी दफा तो उसने माफी मांगी आपसे, नाउ लेट इट गो प्लीज। पता नहीं दिल से माफी भी मांगी है या नहीं। नहीं डैड, वो छोटे साहब बाहर कोई लड़की आई है आपसे मिलने। कौन? कोई ऐना बीबी है, हैदराबाद से आई है। हैदराबाद से आई? ये कौन है? अब पता नहीं डैड, नो आइडिया। तुम जानते नहीं और वो हमारे घर तक पहुंच गई है हैदराबाद से, ये कैसी बात हो रही? बुलाओ अंदर उन्हें। जी साहब। आज बीबी जी,
तुम और क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे रजा से मिलना था। रजा से क्यों मिलना था तुम्हें? मुझे इन्होंने बुलाया है, आप चाहे तो बेशक पूछ लें। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम सब कुछ छोड़कर यहां चली आई? डैड, मैं इसको नहीं जानता। मुझे नहीं पता ये यहां क्यों आई है। शजाई, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आएंगे। मुझसे शादी करेंगे आप? बताएं हम सबको। क्या मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से शादी का वादा क्यों करेगा? ऐसी लड़की जो खुद चल के हमारी दहलीज तक आई है। तुम्हारे बेटे ने कोई आस तो दिलाई होगी ना इसको, वरना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ तक क्यों आती? छत कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भी एरी हरी लड़की आके ये बातें करेगी तो क्या हमारा बेटा हर लड़की से शादी करने का? व्हाट आर यू सेइंग? मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है डैड, दिलावर की कजन है ये, उसकी शादी में मिली थी मुझे, मैं इसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। इसके घर वाले इसकी शादी किसी साइको के साथ कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। चाहती है मैं इसका सहारा बनूं। मैं पीछे पड़ी थी रजा? मैं पड़ी थी? तो वो सब कुछ क्या था जो आपने मेरी अम्मी से बोला? वो मैंने कर्टसी में बोला था। मैं बस उनको समझा रहा था कि ऐसे नहीं करते, कि लड़कियों पे इस तरह का जुल्म नहीं करते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं अंदर किसने आने दिया? जब तुम घर का एड्रेस मुफ्त का माल समझकर तकसीम करते रहोगे तो लड़कियां तो आएंगी घर पे। दैट एड्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी मिल सकता है हमारे घर का एड्रेस। इनफैक्ट शहर के बड़े आदमी हैं, हर किसी को पता है आप कहाँ रहते हैं। ये झूठ बोल रही है डैड, ये शी इज नॉट माई टाइप। मैं को लगता कि मैं इसको पसंद करूंगा। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, मेरे ही घर आकर मेरे पेरेंट्स के सामने जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी सुनाओगी और हम सब मान लेंगे? मॉम डैड, मैं इसको नहीं जानता, ये झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आओ बैठ कर बात करते हैं। अब हरगिज नहीं, क्या कर रही हो? मैं इस लड़की को अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम उसे बैठे को कह रही हो? गेट दिस लायर आउट ऑफ माई हाउस, चलो निकलो मेरे घर से। क्या समझ रही हो, यहाँ आके मेरे बेटे को फंसा के उसकी जायदाद लोगी? नॉट हैपनिंग। मॉम प्लीज आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे, एक दफा उसकी बात तो सुन ले, वो इतनी दूर से आई है। क्यों बात क्यों सुनो? मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। I have nothing to listen to here. और मैं आप लोगों की परमिशन के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। और तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर छोड़ सकती हैं, तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। ऐसा प्लीज ऐसा मत कर,
प्लीज। तुम जैसी लड़की के मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता, इसलिए चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालेंगे, समझ आया? सुन लिया, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से चुपचाप करके। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, डेट बनी यहाँ खड़ी हो, इज्जत के साथ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गार्ड्स को बुला के धक्के मार के निकलवाएंगे तुम्हें। रजा, रजा क्या कर रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। देखो लड़की, ये मेरा घर है, ये सराय नहीं कि जिसका जी चाहे वो मुंह उठाकर इजाजत के बगैर यहाँ पे आ जाए। अपने घर से निकलते हुए तो शायद तुमने ना सोचा हो, लेकिन मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। अमजद खान राह चलती लड़कियों के साथ रिश्ते नहीं बनाया करता। अपने बाप की इज्जत तो तुमने नहीं रखी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। चली जाओ यहां से, तुमको तो मैं बाद में देखू। डैड, डैड, डैड मेरी बात सुने, डैड मेरी बात कान खोल के सुनो, यहां से चली जाओ वरना जान से मार दूंगा। डैड, रसा ने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ही शुड डन मच वर्स विद हर। किस तरह की बातें कर रही हैं आप, उस लड़की की जगह पर मैं भी हो सकती थी। व्हाट, तुम अपने आप को एक लोअर क्लास लड़की के साथ कंपेयर कर रही हो? ऐसी लड़की जो यहाँ तक पहुंच गई, हमारे घर में घुस गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के, व्हाट आर यू सेइंग? वो खुद नहीं आई, आपके बेटे ने बुलाया उसको यहाँ पर। और वैसे भी कोई लड़की बिला वजह में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह क्यों स्टेज पर लगाएगी? मुझे कोई बहस नहीं करनी, योर डैड इज ऑलरेडी वेरी अपसेट। ऐसी वैसी कोई बात ना करना कि रजा फंस जाए किसी मुसीबत में, समझ रही हो? रजा की खुदगर्जी की वजह से हम पहले कुछ कहने के काबिल नहीं रहे, और आप अभी भी उसकी साइड ले रही हैं। हम, मैंने उसको खुद कई मर्तबा उस लड़की से बात करते हुए देखा। शट अप, स्टॉप इट। Thank you.
अब तन्हाई कैसे वीरानियां, चुप कैसे ये मुझसे कहे अगर दिल की सुलग जाने दे कैसे ये।